हेलो फूडीज, आरती फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राइस फ्लावर। राइस फ्लावर वैसे तो बाजार में भी मिल जाता है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से और सस्ते में। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। चावल का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। ये चावल मैं जो इडली के लिए यूज़ करती हूँ वो लिए हैं यहाँ पर मैंने। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप लीजिए। पहले हम इसे वॉश कर लेंगे, दो पानी से अच्छे से साफ करके धोना है इसे। मैंने चावल को दो पानी से धो लिया है अच्छे से, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है चावल भिगाए हुए, ये भीग चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे। चावल हमने छान लिए हैं। अब हम एक सूती कपड़े पर इसे फैला लेंगे। इसे पतला सा फैला लेना है और इसे हम आधे घंटे के लिए, आधे से एक घंटे के लिए हवा में सूखने के लिए रखेंगे। धूप में नहीं रखना है, फैन में आप रख दीजिए तो भी ये सूख जाएगा। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल को सूखते हुए 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों पर बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और सूख चुके हैं। एकदम पूरी तरह से नहीं सुखाना है, ये हल्के गीले हैं अंदर से। और अब हम इसे मिक्सर के जार में डालकर हम इसे पाउडर बना लेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये पाउडर हो गया है, मगर अभी भी ये तैयार नहीं है। अब हम इसे छान कर तैयार करेंगे। मैंने एक छन्नी ले ली है और मैं इसे छानने वाली हूँ। इसे छान कर निकाल लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा हम उसे फिर से पीस लेंगे और फिर इसे धूप में सुखाने के लिए तैयार करेंगे। चावल का आटा अभी भी हमारा रेडी नहीं हुआ है, ये बन तो गया है, मगर आप इसे ऐसे ही अगर रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम इसे 1 दिन के लिए सुखा लेंगे और फिर इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। चावल के आटे को हमने 1 दिन सुखा लिया था और ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख देंगे। इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।